नमस्कार, आपका मीडिया की ज्योतिष संस्थान टीम में आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज से हमने कुछ समय पहले कुछ नामों से संबंधित हमने कुछ वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने काफ़ी प्रचलित नाम हमने उसमें रखे थे। उनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी आपके साथ में शेयर की और आप लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा आपने उनको चाहा। आप लोगों के काफ़ी प्रश्न भी आए और हमने उनका ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर देने का प्रयास किया। ज़्यादातर लोगों को हम उत्तर नहीं दे पाते क्योंकि उनके प्रश्न ही ऊटपटांग होते हैं। तो मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहूँगा, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी हुई है तो आप हमेशा प्रश्न पूछने से पहले अपने आप को संतुष्ट करें कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हमारी ज्योतिष संस्थान टीम की नाम की ज्योतिष में। आपका नाम से प्रिडिक्शन करते हैं हम, जिसमें हम आपका जो नाम है या आपके फ्रेंड का जो नाम है, उसका बचपन का समय, उसके जवानी का समय, उसके जो बीच का समय जो युवावस्था होती है, या उसकी पढ़ाई लिखाई का, बचपन की पढ़ाई लिखाई का, या उसकी जवानी की पढ़ाई लिखाई का, या उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या उसकी शादी की बात करें, जॉब या बिजनेस की बात करें, या बात करें उसके दाम्पत्य जीवन की, या बात करें उसके फ्रेंडों की, या बात करें उसके रिश्तेदारों की, या बात करें उसके पार्टनर्स की, इसके बारे में, और उसकी लाइफ कैसे जाएगी उसके बारे में, अर्निंग के बारे में, और उसकी फ्यूचर जो बुढ़ापे में आता है, मतलब आगे का पूरी लाइफ, हम एक ज्योतिष के नाम के द्वारा ही पता कर सकते हैं। ये पॉसिबल तो देखा जाए तो बहुत ही एक टफ प्रोसेस है, लेकिन एक आप एक्सपीरियंस हैं, हमें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है ज्योतिष लाइन में। अनुभव की बात करो या साइकोलॉजी की बात करो या गॉड गिफ्ट की बात करो, इसमें तीनों ही चीज़ चाहिए। हमने इससे पहले भी कुछ नाम से संबंधित वीडियो बनाई हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उनका लिंक दे देंगे, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर हमने अभिषेक, नीरज, मनीष, अजय, प्रिया, सौम्या, मतलब कुछ नाम से संबंधित हमने कुछ वीडियो बनाई हुई है, और भी कुछ नाम हैं जिनके नाम मुझे याद नहीं हैं, और हम इससे संबंधित, हाँ, नामों से संबंधित हमारे पास काफ़ी लोगों की आई है कि आप हमें कुछ यूनिक जानकारी आप हमें दीजिए। तो आज ही हम एक नाम से संबंधित आज हम बात करेंगे। हम रखेंगे आज का नाम पूनम, पूनम नाम रखेंगे। पूनम से नाम से संबंधित हम उनका बचपन का समय, जवानी का समय, उनकी पढ़ाई लिखाई, दाम्पत्य जीवन, उनका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपका समय वैसे वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी वैसे जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप ज्योतिष लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं या आप ज्योतिष से संबंधित कोई ऐसी जानकारी चाहते हैं जिसका प्रश्न आपको बहुत ही ना के बराबर मिल रहा है, या अगर आप कुछ जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के द्वारा, या फिर आप अपनी बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। आपका संपर्क करने में कुछ नहीं जाता है, अगर आपकी सहायता होती है तो हमको अच्छा लगेगा, नहीं तो आपकी लाइफ तो चल ही रही है, जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। और नाम से संबंधित कुछ लोग कहते हैं कि नाम से कैसे कैसे कोई पता लगा सकता है। देखिए, नाम से नहीं पता लगा सकते, नाम तो बहुत बड़ी बात है। हम मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी वॉइस से पता लगा लेते हैं, आपकी आँखों की, आपके अगर साथ में अगर 5 मिनट बैठ जाएं तो आपके बारे में बहुत कुछ पता उनको लग जाता है। आपके जैसे अपने एक जैसे हम नॉर्मली एक पीढ़ी की क्लास होती है तो उसमें भी हम दिखाते हैं, जैसे हमारी पर्सनैलिटी होती है उस हिसाब से सामने वाला हमको जज करता है, इसी तरीके से ये भी होता है। नाम तो बहुत बड़ी बात है। हाथ की रेखा होती है, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, हाथ की रेखा होती है, जन्म कुंडली होती है, आपकी मस्तक रेखा होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ज्योतिष में, वास्तु होता है, आपके बोलने का तरीका होता है, वो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट करता है कि आपका जो पूरी लाइफ है वो कैसे जाने वाली है। वैसे तो इन सब का मतलब जो होता है वो ज्योतिष की जो आपकी जन्मपत्री होती है, जो जन्म कुंडली होती है, वो ही इन सबको हैंडल करती है, जो ग्रह होते हैं वो ही इन सबको हैंडल करते हैं
लेकिन इसमें इन सब का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आइए हम सबसे हम शुरुआत करते हैं हम अपने पूनम नाम की। आप बाकी के नाम के अगर बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको जो भी बात बताने वाला हूँ पूनम नाम से संबंधित, देखिए हमारा ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई इधर उधर की बातें बताएं, मैं आपको कुछ वो चीज़ बताएंगा जो हमारे अनुभव की हैं या हमारे ज्योतिष या गॉड गिफ्ट के द्वारा हमको मिली हुई हैं। एक तरह से अब 99.9% गॉड गिफ्ट इसको समझ सकते हैं, तो हम वो चीज़ बताएंगे। हम एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं जज करेंगे, चाहे उसके बारे में अच्छा बोलें चाहे हम उसके बारे में गलत बोलें, तो वो चीज़ हम नहीं जज करेंगे। और रही बात की सही गलत की, वो आप हमारी पुरानी वीडियो के कमेंट से ही जान सकते हो कि हम कितना अच्छे सही बोलते हैं कितना गलत बोलते हैं। तो और अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लगती है या कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप हमें बता भी सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप पे आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ जाके भी आप हमें हेल्प कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम अपनी पूनम नाम से संबंधित सबसे पहले जो प्रश्न मैंने आपसे बोला है कि पूनम नाम का, कि पूनम नाम के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि उनका जो बचपन का समय है वो कैसा रहता है। देखिए पूनम नाम का जो बचपन का समय रहता है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है उनका। मिडिल क्लास फैमिली का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा गरीब में और ना ज़्यादा अमीर, मतलब कि ठीक ठाक चल रहा होता है और एक एक अच्छी ठीक फैमिली से जन्म होता है जहाँ पे सही रहता है, सर्वाइव करने के लिए चल रहा होता है। और इनकी अगर बचपन का समय देखा जाए तो बचपन के समय में इतना कोई खास चीज़ें नहीं रहती हैं, मस्ती मौला जैसे बच्चे नॉर्मली रहते हैं उसके बारे में आपको क्या बताऊँ, तो वो तो नॉर्मल रहते ही है, वो नॉर्मली इनका बचपन जाता है। अब पूजा नाम होता है, उनकी जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है, और बाकी की चीज़ें हैं जो चंद्र और जन्म कुंडली के आधार पर ही निर्भर होती हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको मूलांक फूलांक की चीज़ें वो नहीं बताऊँगा। बचपन का समय एक तरह से नॉर्मल ही जाता है इनका, जैसे नॉर्मल लोगों का जाता है उस तरीके से जाता है। अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें, देखिए पढ़ाई लिखाई में अगर पूनम नाम का देखा जाए, पूनम नाम की ना एक्चुअली वो ना तो लो रहती हैं, ना ज़्यादा हाई रहती हैं, ना ज़्यादा मिडल रहती हैं, मतलब मिडल से थोड़ा सा ऊपर कह लो। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ना, जैसे 100 में से अगर देखा जाए तो ना तो 35% लेके आती है, ना तो 90% लेके आती है, ना तो 50% लेके आती है, उनके थोड़ा 65% समथिंग समझ लीजिए, मतलब मिडल क्लास मिडल में रहती हैं, ना ज़्यादा हाई रहती हैं ना ज़्यादा लो रहती हैं। और ज़्यादातर देखा जाए उनका दिमाग होता है वो काफ़ी तेज होता है, मतलब आपको सो नहीं कराएंगे लेकिन उनका दिमाग काफ़ी तेज होता है। अगर आप उनसे कोई राय लेते हैं या आप उनसे बात करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बात करते हैं तो आप उनसे कोई राय लीजिए आपको बहुत अच्छी राय वो देती है। और उनकी पढ़ाई की बात करें तो उनकी जो पढ़ाई होती है ज़्यादातर उनकी पढ़ाई वो जितना करना चाहती है उतना कर सकती है। अगर वो 10th या 12th करके रहना चाहती हैं बैठ सकती हैं, अगर या उनकी पढ़ाई अगर वो ग्रेजुएट करना चाहती है तो ग्रेजुएट भी कर लेती हैं, और उसके आगे भी पढ़ाई ग्रेजुएशन के बाद में उनकी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे शादी की हो गई या किसी भी तरह की दिक्कत हो गई, लेकिन उसके आगे भी वो पढ़ाई करती है तो उनकी वो पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। और ज़्यादातर वो थोड़ी आगे बढ़ जाती है तो वो डॉक्टरी लाइन या फिर मेडिकल लाइन इन चीज़ों में चली जाती हैं। और सेकंड चीज़ उनकी बात करें अगर पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट उनका जो रहता है थोड़ा ऐसी चीज़ों में रहता है जो हटके रहती है, मतलब अगर उनके जैसे 10 फ्रेंड हैं, अगर 10 फ्रेंड अगर जैसे एक होता है कि हम लोगों में कि अगर कोई फ्रेंड कर रहा है तो उसके साथ जो वो कर रहा है वो हम करेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग रहता है, जो इनका फ्रेंड कर रहा है वो ये नहीं करते हैं, ये थोड़ा हटके करते हैं कुछ अलग, मतलब जो ज़्यादा या तो ये नहीं कह सकते कॉम्पिटिशन नहीं है, मतलब उनको थोड़ा यूनिक चीज़ पसंद है जो अलग कर रहे हैं और जिसमें कम मेहनत हो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकल के आए, ये करते हैं। और इनकी सेकंड हम और बात करें इनके फ्रेंडशिप की बात करें, इनके तो इनके फ्रेंडशिप होती है वो फ्रेंडशिप इनकी नेटवर्क इनका काफ़ी अच्छा रहता है, नेटवर्क इनका स्ट्रॉन्ग ऐसे रहता है कि इनका ऐसा नहीं कि इनके खुद के ज़्यादा फ्रेंड होते हैं, मतलब इनसे आप अगर कोई काम की कहते हैं तो ये करके दे देंगे आपको अपने नेटवर्क के द्वारा फ्रेंड के द्वारा, लेकिन इनके ऐसा नहीं कि फ्रेंड बहुत है, इनके फ्रेंडों के ऐसे इनके फ्रेंड होते हैं जिनके कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब कि मैं आपको बता दूँ इनका जो फ्रेंड है उसके कॉन्टैक्ट आज काफ़ी अच्छे होंगे, अगर इनको आप बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपका जुगाड़ करके मतलब दे देते हैं, ये आपको ये नहीं कि आपको मना कर देंगे ये कर देंगे,
और आप अगर इन्हें हाँ एक चीज़ और इनका नेचर के बारे में बात करें तो नेचर इनका अच्छा रहता है अगर आप इनके संग में अच्छा व्यवहार करेंगे। वैसे तो नॉर्मली हर आदमी का रहता है, लेकिन इनका एक्चुअली क्या होता है कि ना कि अगर आप इनके संग में अच्छा हैं तो आपके संग में ये कभी भी आपसे मिल रहे हैं, चाहे 10 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, आपके संग में बहुत ही एक ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा आपसे 10 साल या 5 साल या 2 साल पहले व्यवहार कर रहे थे। बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल ना कोई घमंड ना कुछ भी, एकदम फ्री आप तो एकदम बिल्कुल प्योर मिलेगा आपको नेचर उनका। और इनके नेचर के बारे में बात करें तो इनका जो नेचर होता है दूसरों के लिए ये चाहता ना मतलब बुरा नहीं सोचते हैं। ऐसा नहीं कि इनके मन में बुरा सोच चल रहा रहता है कि अरे भाई भाई उसका बुरा करूँगा या उसका बुरा करूँगा या इसके बारे में, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इनको ये चीज़ होता है कि अगर इनको कोई चीज़ बुरी लग जाती है फिर उसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, अरे मेरे को मतलब उस बंदे को छूना नहीं है, कहने का मतलब ये है उसको बंदे को जब तक सबक नहीं सिखाना है या जब तक वो ना सॉरी नहीं बोल लेगा, जब तक वो बंदा थोड़ा डिस्टर्ब नहीं हो, मतलब उसको बंदे को जब तक रियलाइज नहीं हो जाएगा, जब तक उसको प्लानिंग के द्वारा उसको मतलब प्लानिंग के साथ द्वारा उसको हर्ट करना है, ये चीज़ उनके थोड़ा सही रहता है। और अच्छी बात भी है कि ये चीज़ उनके अंदर रहती है। और इनके बारे में बात करें तो इनका जो थोड़ा सा अलग जो रहता है वो कि एक तरह से इनका नेचर देखा जाए, जैसे एक होता है कि आदमी बहुत अच्छे होते हैं, एक होता है कि आदमी बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो ना तो ये अच्छे हैं ना, हाँ एक आदमी ये है कि एक थोड़ा ना अच्छा होता ना खराब, ये तीनों में से कुछ नहीं है, तीनों में से अलग ही है इनका। ये एक्चुअली क्या है कि ना अगर आप ये आपके संग में अच्छे हैं और पता नहीं आप इनके संग में एक अच्छा बॉन्डिंग बनना है, लेकिन आपके पता नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा मैं आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, लेकिन आपके संग में कब खराब हो जाए, कब आपको मात दे जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और कब आप और आपका अगर आपके संग में इनकी दुश्मनी भी है और आपके साथ में कब भले हो जाए, कब आपको आपके लिए अच्छा काम कर जाए, ये भी तक भी आपको पता नहीं चलेगा। एक इनकी एक अलग ही प्लानिंग चल रही होती है, इनका एक अलग ही थॉट होता है अपनी लाइफ को जीने का, ये चीज़ रहती है। और इनके नेचर बात बहुत सारी चीज़ें हैं नेचर के बारे में, और बात करें तो नेचर इनका मतलब खुले दिल की रहती है। एक्चुअली क्या है कि इनको खुले दिल का रहना पसंद है, जो मतलब एक्चुअली आज के टाइम में तो वैसे बच्चों को ज़्यादा बाउंडेशन नहीं पसंद है, लेकिन इनका क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को ये बाउंडेशन नहीं करवानी, सब चीज़ों को समझती हैं, घर है परिवार है सब चीज़ों को समझती हैं। जैसे मैं अभी आगे दाम्पत्य जीवन के बारे में बताऊंगा, अगर दाम्पत्य जीवन में जाती है तो थोड़ा वो समझती हैं कि क्या है कैसे है मुझे करना है, लेकिन एक्चुअली उनको बाउंडेशन नहीं पसंद, भाई आपको ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना, चाहे पति हो चाहे पिता हो चाहे कोई भी हो, मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझिए कि ये नहीं कि उनको दवा बिल्कुल ही, एक होता है कि मेरे को दवा नहीं पसंद है, ऐसा नहीं, दवा पसंद है लेकिन जबरदस्ती वाला नहीं, ठीक है, मतलब खुला होना चाहिए, एकदम खुले जिंदगी को जीने वाला वो चीज़ होना चाहिए। दूसरी बात इनको काम करना बहुत अच्छा लगता है, रसोई का काम की बात नहीं कर रहा, वो इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं है, मैं काम कह रहा हूँ आपको टारगेट वाली, मतलब इनको आप कोई टारगेट दीजिए, आप इनको कोई लक्ष्य दीजिए या आप इनको कोई काम बोलिए कि भाई आपको ये काम है ना, ये प्रोजेक्ट है आपको ये कंप्लीट करके देना है, चाहे इनको आता हो चाहे ना आता हो, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, ये इनका है, मतलब ये उस चीज़ में एफर्ट, चाहे आपका वो कंप्लीट 100% ना करें लेकिन 95% उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, अगर इनको नहीं आता होगा ना तो भी उस चीज़ को ये कंप्लीट कर लेंगे। और इनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, इनकी बॉडी जो लैंग्वेज जो होती है वो समय के साथ में ना बहुत ज़्यादा चेंज हो, वैसे तो हर किसी की समय के साथ ही चेंज होती है, लेकिन एक्चुअली इनका क्या होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों में से कैटेगरी में से कोई सी भी नहीं आती है, इनका क्या होता है कि आप इनको बचपन में देखेंगे तो थोड़ी अजीब सी है, नाक से निकली हुई मतलब ब्राह्मण मानी का, लेकिन अजीब सी थोड़ा सा अजीब सा रहता है हिसाब किताब, ठीक है यार ये लड़की है, फिर आप थोड़ा जवानी में जाएंगे थोड़ा ठीक ठाक ओके फाइन मतलब ठीक है ओके, लेकिन जब जैसी ये लाइफ वो थोड़ी आगे बढ़ती है तो एकदम अलग ही लुक चेंज कर लेते हैं, आप इमेज नहीं कर सकते कि ये वही है, ये वही पूनम है जो हमने बचपन में देखी थी या जवानी में देखी थी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने लाइफ को ये करती हैं और हर चीज़ में चेंजेस करती हैं, अपनी बॉडी में अपनी बोलने की स्टाइल में हर चीज़ में चेंज, और ऐसा नहीं उनको कोई बताता है गाइड करता है या मैं ही जाके गाइड करता हूँ, हाँ ये इनका नेचर है, ये इनकी कुंडली में इनके ग्रह हैं वो जो इनको कहते हैं वो इनका रहता ही है।
और इनकी बात करें कि जैसे हम नेचर से संबंधित आ गए, हमने पढ़ाई लिखाई का बचपन का समय बता दिया, इनके फ्रेंड्स के बारे में बता दिया, और इनकी हम शादी की बात करें, दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, तो एक्चुअली इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है, देखिए इनका जो लव की बात करें, ज़्यादातर लव इनका फेल हो जाता है, लव इनका मतलब सक्सेस नहीं होता, लव मैरिज कम हो पाती है। बाई चांस अगर देखो एक कड़का कोई कर ले जबरदस्ती, वो मैं कि वीडियो में कुछ बोले, कम इनकी कम लव मैरिज का चांसेस होते हैं, लेकिन लव मैरिज नहीं हो पाती है, अरेंज मैरिज इनकी हो पाती है, और दाम्पत्य जीवन भी इनका अच्छा नहीं रहता है, मतलब कि इतना देखिए नॉर्मल स्टार्टिंग में तो हर किसी का, मैं आपको बोलूँ स्टार्टिंग में तो एक दो महीने हर किसी का अच्छा जाता है, लेकिन इनका फिर आगे अच्छी लाइफ नहीं जाती है। इनको लगता है कि मेरे को सही पार्टनर नहीं मिला है, या फिर मेरे को ससुराल वालों से भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि कैसे क्या है, इनको थोड़ा मतलब दाम्पत्य जीवन इनका थोड़ा अटपटा सा रहता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत इनको कोई ना कोई दाम्पत्य जीवन से मतलब शादी वाली लाइफ से इनको रहती है, चाहे वो पति की तरफ से हो चाहे वो ससुराल की तरफ से हो, ये इनको चीज़ें लगी रहती हैं। और इनकी चीज़ें लगने का सबसे मेन रीज़न है कि ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले, कि ये अपनी लाइफ को खुल के रहना जीना चाहती है, वो इनको थोड़ा सा बाउंडेशन वहाँ पे हो जाता है कि इनको खुल के लाइफ को मतलब इनको लगता है कि अब मैं बहुत ही गलत तो नहीं कर दिया, या थोड़ा समझने की कोशिश करती है, लेकिन जो सेकंड पर्सन है, चाहे इनकी सास की बात करें चाहे इनके पति की, वो इनको समझने की थोड़ी कोशिश नहीं करते हैं, तो यहाँ इनकी ये दिक्कत थोड़ी सी आ जाती है। और इनके जॉब या बिजनेस की बात करें, देखिए इनके जॉब या बिजनेस की बात करें, तो जो पूनम नाम की जो लड़कियां होती हैं, वो ज़्यादातर बिजनेस लाइन में इनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, वैसे ये जॉब की तरफ ज़्यादा रेफर करती है अपने आप को, मतलब कि जॉब इनको ज़्यादा बेटर रहेगी, लेकिन अगर ये बिजनेस करती हैं, अगर व्यापार करती हैं, व्यापार लाइन में इनका काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट दिखता है और ये आगे बढ़ती हैं। और इनकी बात करें दाम्पत्य जीवन के बारे में, और क्या रह गया, ससुराल पक्ष के बारे में बात करें, तो ससुराल पक्ष इनको, ससुराल पक्ष इनका काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि परिवार में ससुराल में काफ़ी लोग होते हैं, ननंद वगैरह ये सब चीज़, मतलब कहीं ना कहीं इनको जो शादी होती है वो कहीं ना कहीं मिलते हैं, एक होता है कि शादी से पहले ही उनका सब हो गया, सब माता पिता है और पति है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं परिवार मिलता है, और परिवार भी मिलता है तो कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा मैच नहीं होता है, मैचिंग नहीं हो पाती है, या कहीं ना कहीं बड़ा परिवार उनको मिलता है और वो चीज़ें मैचिंग नहीं हो पाती है, लेकिन उनको सबसे अच्छा पसंद है, इनको अगर देखा जाए एक चीज़ कि इनको दाम्पत्य जीवन की बात करो चाहे नेचर की बात करो, इनको कुछ भी नहीं पसंद है, आप इनको बोलो ये खा लो ये खा लो, नहीं, आप एकदम बिल्कुल सिंपल लाइफ दीजिए आप इनको, तो कहते हैं ना लड़की बोलती तो है दो जोड़ी कपड़े हमें दे दो हम खुश रहे, लेकिन इनका ऐसा नहीं है, मतलब आप इनको एक्चुअल में इनको दो जोड़ी कपड़े अगर देते हैं नॉर्मली, अगर आप इनको ट्रीट करते हैं कि उसमें भी खुश है, लेकिन इनको एक्चुअली लाइफ चाहिए एक प्यारी वाली लाइफ, एक सेटिस्फाई वाली लाइफ, इनको सबसे ज़्यादा देखिए क्या रहता है कि इनके ना इनकी लाइफ में ना एक अकेलापन सा रहता है, जैसे जवानी के टाइम की बात करें या फिर जैसे 18 साल की उम्र की बात करें, तो इनके ना थोड़ा अकेलापन सा रहता है कि मैं अकेलापन की मैं आपको कैसे समझाऊंगा इस डीपली, कि जैसे इनका कोई बॉयफ्रेंड है या फ्रेंड है, लेकिन इनको लगता है कि मेरे को एक ऐसा साथी चाहिए जो, चाहे बॉयफ्रेंड है कुछ कोई भी है, लेकिन मुझे ऐसा साथी चाहिए जो ना मैं उससे हर चीज़ शेयर कर सकूँ, मैं उससे हर बात हर चीज़ मैं उसको और हर तरह का प्यार भी दे सकूँ मैं उसे, इनके ये भी मन में आता है, और ये उसके संग में पूरे बहुत सपने देखती हैं, मतलब इनको एक ऐसा सपोर्टर चाहिए चाहे कोई भी हो चाहे किसी भी किसी फील्ड में जा रही हैं चाहे कहीं भी, तो इनको एक ऐसा सपोर्टर चाहिए चाहे कॉलेज लाइफ चाहे ट्यूशन लाइफ चाहे कहीं किसी भी लाइफ में, एक हर जगह एक सपोर्टर चाहिए जिससे ये मिल सके, और इनको ज़्यादा वो नहीं रहता है, इनको एक सपोर्टर ऐसा मिल जाए ना किसी भी क्षेत्र में, चाहे कॉलेज में स्कूल में चाहे किसी भी जगह जॉब में बिजनेस में, ये उसी से ही अपनी शेयर कर लेती है बातों को, इनको ज़्यादा अपनी बातों को फैलाना ज़्यादा पसंद नहीं है, एक मिल गया ठीक है ओके कोई बने मैंने उससे बात कर दी, ये इतना ही रहती है, ज़्यादा हल्ला हुल्ला हुल्ली नहीं पसंद है। और दूसरी बात इनका अगर व्यवहार की और बात करें, गुस्से की बात करें, इनमें गुस्सा तो देखिए बहुत तेज है, मतलब अगर आप पंगा मत लो बस इनसे, अगर आपने पंगा ले लिया तो कहते हैं ना चंडी आपने देखी नहीं होगी,
तो आपको चंडी साक्षात देखने को मिल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये वही लड़की है जिससे मैं भी नॉर्मल बातें हमारी हो रही थी, ये वही लड़की है इतने गुस्से वाली। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा रहता है। और इनके दाम्पत्य हो गया, नेचर हो गया, बचपन का पढ़ाई लिखाई का इनका सब हो गया। इनके भविष्य की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो इनका ओल्ड एज की बात करें, देखिए इनका जो परिवार होता है, जो जहाँ शादी होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन शादी होने के बाद में वो कहीं ना कहीं वो पैसे से स्ट्रांग हो जाते हैं, धन से स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इनका जो फ्यूचर जाता है, जो ओल्ड बुढ़ापे का, वो काफ़ी ठीक जाता है, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इतनी दिक्कत नहीं रहती है। और मुझे लगता है कि शायद हमने सभी बातें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको जब भी लगता है कि कोई बात रह गई है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके संबंधित हमने आपके पूछने का जो शुल्क है हम कुछ लेते हैं, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष की एक्सपर्ट टीम है, देखिए वो मेहनत करती है, पढ़ाई लिखाई करती है, आगे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी देखिए कहते हैं कि अगर आप किसी ज्योतिष से पूछ रहे हैं तो आप बिना दक्षिणा के आपको पूछना भी आपका बेकार जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी रहता है। आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे उसका कैसे क्या रहता है, और तभी आप कांटेक्ट करें जब आप अपने आप में संतुष्ट हो कि आपको पूछना क्या है। और आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।